सोलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो मैच होने जा रही है, फोर्थ T20 फर्स्ट मैच, उसके बारे में। ये मैच सैटरडे 12 अगस्त 2023 को होने जा रही है 8 o'clock इंडियन टाइम में, ठीक है। सो ये मैच कहाँ पे होने जा रही है, पिच रिपोर्ट कैसा होने वाला है, वेदर रिपोर्ट कैसा होने वाला है, एवरेज स्कोर क्या जा सकता है, कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर हमारे लिए बेस्ट खेलेंगे, वो आपको यहाँ पे टीम बना के दे दिया जाएगा, जहाँ पे मिलते हैं आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन, वाइस कैप्टन। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये मैच कहाँ पे होने जा रही है। सो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, और आपको देखने को मिल रहा होगा सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में ये मैच होने जा रही है। और यहाँ का पिच जो है बैटिंग पिच है, वेदर जो है क्लाउडी वेदर रहने वाला है। टोटल मैचेस यहाँ पे 12 हुए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने 9 मैचेस विन किए, बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने 2 मैचेस विन किए, ठीक है। तो हाईएस्ट टोटल की बात करें तो हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 245 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पे। हाईएस्ट चेज स्कोर की बात करें तो 98 है 6 विकेट के नुकसान पे। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 160 प्लस जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बैटर का चलने वाला है, बैटिंग पिच है, और यहाँ पे प्लस पेसर्स बॉलर जो रहेंगे, पेसर्स बॉलर उनका यहाँ पे बोलबाला होने वाला है। तो स्पिनर को आप 1-2 चूज कर सकते हैं, बाकी आप पेसर्स को ज्यादा से ज्यादा बॉलर में आप ले तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा प्रोबेबल प्लेयर, तो चलिए देखते हैं इंडिया से कौन कौन से प्लेयर खेले जाने वाले आज। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और यहाँ पे मुकेश कुमार। तो इतने सारे प्लेयर जो है इंडिया से खेले जाने वाले हैं। अब देखते हैं वेस्ट इंडीज से कौन कौन से प्लेयर खेले जाने वाले हैं आज। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कार्ल मेयर्स, ब्रेंडन किंग्स, जॉन चार्ल्स, निकोलस पुरन, रोमन पॉयल, सिमरन हेटमेयर, रोमेरियो शेफर्ड, रॉटन चेज, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ओबेड मैकॉय। तो इतने सारे प्लेयर जो है वेस्ट इंडीज से खेले जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हमारा चैनल इंडियन यूट्यूबर दीपक जैन टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, बिल्कुल फ्री, कोई प्राइम मेंबरशिप वगैरह नहीं चलाया जाता। आप देख सकते हैं हमारा जो चैनल है कुछ इस तरह से है, और 17 के लगभग हमारे सब्सक्राइबर है टेलीग्राम पे, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी टीमें दी जाती है या फिर अपडेट्स दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता। अगर कोई आपसे पैसा ले रहा है तो वो फेक आईडी है, क्योंकि टेलीग्राम पे कई सारे फेक आईडी बने हुए हैं, तो वहाँ पे कई सारे प्राइम मेंबरशिप वगैरह चलाया जाता है। हम यहाँ पे कोई प्राइम मेंबरशिप वगैरह नहीं चलाते, ना ही हम अपना नंबर किसी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको यहाँ पे टीम मिल जाती है, एक फ्री टीम मिल जाती है, और यहाँ पे आपको हमारा वीडियो लिंक भी मिल जाता है। जो भी वीडियो हम डालते हैं यूट्यूब पे उसका यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लिंक, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से टीम, तो टीम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारा टीम लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री वाला, तो आप जाएं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक वहां पे आपको मिल जाएगा, तो वहीं से आप ज्वाइन करें, या फिर आप अपने चैनल पे इसे सर्च कर सकते हैं इंडियन यूट्यूबर दीपक जैन कुछ इस तरह से, कोई स्पेस नहीं, कुछ आगे पीछे नंबर्स वगैरह नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है, सारे स्मॉल में है, एक कैपिटल लेटर में होगा आई ओनली, ठीक है। तो इस तरह से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। सो आप इधर उधर ना भटके, इसलिए हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच हेड टू हेड जो भी मैचेस हुए हैं अभी तक। तो इंडिया ने 18 मैचेस विन किए और वेस्ट इंडीज ने 9 मैचेस अभी तक विन किए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि बेस्ट फॉर स्मॉल लीग में कौन कौन से प्लेयर आज हमारे लिए चलेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो इंडिया से जो है ना स्मॉल लीग, अगर आप टीम बनाते हैं और खेलते हैं ड्रीम इलेवन पे या फिर कहीं भी किसी भी फैंटेसी ऐप पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे हार्दिक पांड्या को चूज कर सकते हैं, तिलक वर्मा को चूज कर सकते हैं इंडिया से, और वेस्ट इंडीज से निकोलस पुरन और रोमन पॉयल को स्मॉल लीग में जरूर से जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और बेस्ट फॉर ग्रैंड लीग, अब जीएल के लिए किसको सिलेक्ट करें, स्मॉल लीग में जो भी है उसको तो आप जीएल में सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये आपको अच्छा खासा पॉइंट देगा, ठीक है। और जीएल के लिए कौन बेस्ट होगा, ये तो 4 प्लेयर हैं, उसके अलावे भी आपको प्लेयर सिलेक्ट करने होते, टोटल 11 प्लेयर। तो ये ग्रैंड लीग के लिए जो है यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, आप हाई रिस्क वाला में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर हाई रिस्क में नहीं जाते हैं
हाई रिस्क में अगर आप नहीं खेलते हैं ठीक है, तो आप जीएल कभी विन नहीं कर पाएंगे। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल इंडिया से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जॉनसन चार्ल्स और रॉस्टन चेज कुछ इस तरह से है वेस्ट इंडीज से, तो इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लें ग्रैंड लीग के लिए। अब डेथ ओवर बॉलर में कौन ज्यादा विकेट लेके दे सकता है या फिर विकेट लेता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं और किसको सिलेक्ट करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया से जो है आप अर्शदीप सिंह को ले सकते हैं। अर्शदीप सिंह पिछले कई मैचेस में फ्लॉप रहे, मतलब अच्छा खासा विकेट निकाल के नहीं लाए, लेकिन आज के मैचेस में अर्शदीप सिंह आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, तो अर्शदीप सिंह को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुकेश कुमार को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज से जो है रोमेरियो सेफर्ट और अल्जारी जोसेफ, अल्जारी जोसेफ आज चलने वाला है, बहुत ही अच्छा चलने वाला है, तो अल्जारी जोसेफ को आप अपने टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कैप्टन वाइस कैप्टन। जैसा कि मैंने बोला कि 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको मिल जाता है हमारे इसी में, और एक टीम भी मिलता है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन तो आपको इसी को रोटेट करना है सारे टीमों में। अगर आप एक से ज्यादा टीम बनाते हैं, 2 3 4 5 इस तरह से, तो आपको इसको रोटेट करना है सभी टीमों में। ठीक है, सारे टीम में रोटेट करना है कुछ इस तरह से। रॉबिन पॉवेल को अगर आप कैप्टन बनाते हैं, तो सुमन गिल को आप वाइस कैप्टन बना लें। ठीक है, ये फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन आपका हो जाता है। सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ये आपका सेकेंड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाता है। और निकोलस पूरन हार्दिक पांड्या को आप बना सकते हैं, निकोलस पूरन सुमन गिल को आप बना सकते हैं, तो कुछ इस तरह से हो जाता है। फिर आपका हो जाता है अल्जारी जोसेफ। बाकी जो हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन है वो आपको हम प्रिडिक्ट करके देने वाले हैं टीम में, तो टीम के लिए तो थोड़ा सा इंतजार कर ले। ठीक है, सो ये जो है आपको पूरे के पूरे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में रोटेट करना है। बाकी जो है चलिए आगे बढ़ते, और ये आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप लाइक शेयर कमेंट अभी तक कर दिए होंगे, नहीं किए तो कर दीजिए। चलिए आप टीम बना लेते हैं, और टीम में जो है कैप्टन वाइस कैप्टन भी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे रखेंगे आई किशन को, ईशान किशन को रखेंगे, और एक हम यहाँ पे रखेंगे एन पूरन को, निकोलस पूरन और ईशान किशन को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब बारी है बैटर की, तो बैटर में तिलक वर्मा सिलेक्ट कर लेंगे, तिलक वर्मा को हमने सिलेक्ट कर लिया। और दूसरा जो है हम सूर्य कुमार को सिलेक्ट करेंगे, एस कुमार, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, एस कुमार यादव को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब बारी है दो और बैटर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बैटिंग पीछे आज बैटर का भी चलने वाला है और पेसर्स बॉलर का भी। ठीक है, तो यहाँ पे दो और बैटर सिलेक्ट करेंगे जो कि वेस्ट इंडीज से हो जाएगा। तो हमारा पहला जो है हो जाएगा एस हेटमेयर, हेटमेयर हो गया। और एक हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बी किंग, या फिर पॉवेल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रॉबिन पॉवेल। ठीक है, तो बी किंग को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, बी किंग को हमने सिलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो इसके जगह पे आर पॉवेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आर पॉवेल को उसके जगह पे बी किंग के जगह पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बारी है यहाँ पे ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है एच पांड्या को, हार्दिक पांड्या को आपको सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा जो है आप यहाँ पे अक्षर पटेल को रख सकते हैं, ए पटेल, अक्षर पटेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब बारी है बॉलर की, तो बॉलर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो के यादव को रख लेंगे, के यादव, कुलदीप यादव हो गया। दूसरा जो है हम यहाँ पे ए हुसैन रखने वाले, ए हुसैन, अकील हुसैन, और एक हम रखने वाले हैं अलजारी जोसेफ, ए जोसेफ, अलजारी जोसेफ को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब बारी है ए सिंह, तो कुछ इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिए बॉलर भी। ठीक है, अब बारी है कैप्टन और वाइस कैप्टन की, इसमें जो हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, हो सकता है आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, गेम चेंजर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं। तो यहाँ पे तिलक वर्मा और ईशान किशन को आप आज कैप्टन वाइस कैप्टन बना लीजिएगा, ये आपके फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। निकोलस पूरन और ईशान किशन को भी आप बना सकते हैं, ये आपके सेकेंड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सूर्य कुमार दिख रहा होगा, तो सूर्य कुमार
और तिलक वर्मा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके थर्ड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बोला पार्सल शेट्टीमो का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो हमने आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और इन दोनों में से आप किसी एक को बना सकते हैं, अगर आप यहाँ पे रॉबिन पॉवेल को सिलेक्ट किए तो आर पॉवेल को आप बना लीजिएगा, ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन में एस कुमार के साथ या फिर तिलक वर्मा के साथ। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और ऑलराउंडर और बॉलर में देखते हैं किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो यहाँ पे है एक पांड्या, हार्दिक पांड्या जो है उसे, और यहाँ पे ए जोसेफ, इनको आप बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। ये आपका फोर्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। कुलदीप यादव और यहाँ पे ए सिंह, ठीक है, तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना लीजिएगा। फिफ्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अकील हुसैन, ए हुसैन और ए पटेल, तो ए पटेल को आपको नहीं बनाना है, अकील हुसैन और अलजारी जोसेफ को ही बना लीजिएगा आप कैप्टन वाइस कैप्टन। ये आपके सिक्स टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। कुछ इस तरह से है, आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको फाइनल टीम जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलता है। तो आप कहीं और जाके हमारे यहाँ वीडियो पे आके कमेंट नहीं कीजिएगा कि आप मतलब पैसे वगैरह चार्ज करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ सारी चीज़ें फ्री में है, फ्री प्रोवाइड करते हैं, अपडेट हो गया, टीम हो गया, कुछ भी हो, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में मिलती है। सो चलिए आगे दिखाते हैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन। तो इसको आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में रोटेट कर लेना है, ठीक है, सारे टीमों में जो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप SL या GL विन करना चाहते हैं तो इसको तो आप रोटेट कर ही लीजिएगा। बाकी जो हमने आपको दिया है यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन, हमारी प्रिडिक्शन है ये, तो आप इसे आजमा सकते हैं या फिर जा सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि रॉबिन पॉवेल है, सुमन गिल है, सूर्य कुमार यादव है, आज यशस्वी जायसवाल अगर खेलते तो यशस्वी जायसवाल के साथ भी आप जा सकते हैं, हार्दिक पांड्या है, निकोलस पूरन है, अलजारी जोसेफ भी है। तो ये हमने भी यहाँ पे आपको कुछ अलग नहीं दिया है, ईशान किशन दिया है, सूर्य कुमार, तिलक वर्मा और पांड्या, जोसेफ, हुसैन, कुलदीप यादव, ए सिंह, ठीक है। यशस्वी जायसवाल खेलते हैं तो बी किंग के जगह पे आप यशस्वी जायसवाल को भी ले सकते हैं या फिर सूर्य कुमार के जगह पे यशस्वी जायसवाल को ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से टीम है, आप चाहे तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।